कांधार प्लेन हाईजैक पर बनी वेब सीरीज IC-814 पर सूचना प्रसारण मंत्रालय की बैठक खत्म हो गई। दिल्ली में नेटफ्लिक्स के अफसरों के साथ ये बैठक चल रही थी। सूचना प्रसारण मंत्रालय में ये बैठक खत्म हो गई है। नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को मंत्रालय ने दरअसल मीटिंग के लिए बुलाया था। विवाद के बाद बैठक में नेटफ्लिक्स के अफसरों ने कहा कि लोगों की भावना का ख्याल रखा जाएगा, इसका ध्यान रखा जाएगा। वेब सीरीज के कंटेंट का आकलन किया जा रहा है, ये नेटफ्लिक्स की तरफ से बयान सामने आया है। नेटफ्लिक्स के अफसरों की तरफ से बयान सामने आया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के दफ्तर में जो मीटिंग चल रही थी नेटफ्लिक्स अधिकारियों के साथ, वो खत्म हो गई है। दरअसल IC-814 ये नेटफ्लिक्स पर एक नई सीरीज आई है जो कि कांधार हाईजैक प्रकरण पर आधारित है, और इसके कुछ बिंदुओं को लेकर एतराज किया गया था सोशल मीडिया पर। कुछ लोगों ने एतराज किया जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था, और उसके बाद सूचना मंत्रालय की तरफ से नेटफ्लिक्स के जो कंटेंट हेड हैं उनको बुलाया गया था। नेटफ्लिक्स अधिकारियों को सूचना प्रसारण मंत्रालय में बुलाया गया था। मीटिंग चल रही थी, वो मीटिंग खत्म हुई है। नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड की भी सूचना प्रसारण मंत्रालय में पेशी हुई, और अब इस मीटिंग के बाद नेटफ्लिक्स की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें कहा गया है कि लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा, वेब सीरीज के कंटेंट का आकलन किया जा रहा है।